हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी और मैं हूँ आपकी शेफ अंजलि। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ आइसक्रीम की रेसिपी। ये आइसक्रीम की रेसिपी है वनीला आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये बिल्कुल मार्केट जैसा है। यकीन नहीं होता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा है। आपको मार्केट से आइसक्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बनाया है मैंने सिर्फ 3 चीज़ों से। अगर इसे देखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसे मैंने टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया है कि इसे मैंने कैसे बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना फैमिली फ्रेंड्स में ताकि वो भी बना सके। और अगर मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी इनोवेटिव रेसिपी कभी मिस ना कर सकें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने से पहले यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्स दिखाना चाहूँगी आप सबको। ये है इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, जो बिजली से चलता है और इससे किसी भी चीज़ों को बनाना बहुत आसान होता है, जैसे क्रीम फेंटना, केक का बैटर तैयार करना, अंडे फेंटना, आइसक्रीम बनाना और भी बहुत कुछ, जो कुछ ही मिनटों में बन जाता है। आज मैं इसी से बनाने वाली हूँ आइसक्रीम। अगर आपके पास आइसक्रीम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर जार में भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका जार गर्म ना हो। अगर आप चाहते हैं कि कभी मैं इसमें आइसक्रीम बना करके दिखाऊं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इसमें आइसक्रीम ज़रूर बना करके दिखाऊंगी। आइसक्रीम बनाने के लिए इस चम्मच से भी बना सकते हैं, बस फ़र्क इतना होगा जहाँ मशीनों के एलिमेंट्स के द्वारा जल्दी बनता है, वहीं आपको यहाँ बिना मशीनों के द्वारा देर में बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। जैसे मशीन में बनता है वैसे ही बनेगा। अब आखिरी एलिमेंट्स ये है हैंड विस्क। ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की तरह दिखता है, बस फर्क ये है कि ये बिजली से नहीं चलता है, ये हाथों से ही बनाना पड़ता है। इससे भी आप क्रीम, अंडे, केक का बैटर बना सकते हैं और आइसक्रीम भी बना सकते हैं। बस इसमें भी यही फ़र्क है कि ये क्रीम फेंटने में भी आपकी काफ़ी मदद करता है लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है, और आइसक्रीम बनाने में भी ये काफ़ी मदद होता है। बस इसे हाथों से ही करना होता है, लेकिन इसके भी फायदे हैं कि हाथ से करते करते आपके हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, पुराने वीडियो में, कि मैंने इससे कितनी सारी मैंने क्रीम फेंट करके मैंने दिखाई है और काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया है। केक का बैटर भी मैंने तैयार किया है, तो मैंने अपने एलिमेंट्स दिखा दिए हैं। तो आप आइसक्रीम बना सकते हैं किसी भी चीज़ से जिसमें आपको अच्छा लगे। तो चलिए अब आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स में दिखा देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए वे 3 चीज़ें क्या हैं उसे देख लीजिए। यहाँ मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, जो 250 ग्राम का है, जो फ्रीज में रखा था। ध्यान रखें फ्रीज़र में ना रखें, एकदम जमा हुआ नहीं होना चाहिए, ये एकदम ठंडा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ठंडे पानी की तरह उसी तरह से एकदम ठंडा होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने मिल्क मेड लिया है। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप मिठाई मेड ले लें, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मिल्क मेड मैं यूज़ करूँगी 200 ग्राम के करीब। फिर मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस लिया है। अब वनीला आइसक्रीम है तो वनीला एसेंस तो ज़रूर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने एक बड़ा और गहरा बाउल लिया है। अब इसमें अमूल का फ्रेश क्रीम डाल दूंगी, ये सारा डाल दूंगी। ये देखिए मैंने ये सारा क्रीम डाल दिया है। क्रीम को फेंटने से पहले आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। क्रीम जब भी फेंटें तो बहुत ठंडी जगह पर फेंटें। अगर ठंडी जगह नहीं है तो एक बर्तन में बर्फ़ रख लें और उसके ऊपर ये क्रीम वाला बर्तन रख कर फेंटें, तभी आपकी क्रीम बहुत अच्छी फेंटेगी। तो अब इसको फेंटना शुरू करती हूँ। पहले लो टू मीडियम स्पीड में फेंटूँगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हाई पर फेंटूँगी। इसको तब तक फेंटना है जब तक इसके सॉफ्ट स्टीफ पीक्स निकल ना आए, और ध्यान रखें एक ही डायरेक्शन में फेंटें जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए फेंटते फेंटते इसका वॉल्यूम
डबल हो रहा है और धीरे धीरे ये और भी डबल हो जाएगा। क्रीम को इसी तरीके से फेंटना है और इसको दुगना बढ़ाते जाना है। तो फेंटते रहें इसी तरीके से, तो इसको लगातार इसी तरीके से फेंटते रहें। ये फेंटते फेंटते ये जो क्वांटिटी में कम था ये डबल हो जाएगा और ये एकदम व्हिप क्रीम की तरह दिखने लगेगा। तो इसको इसी तरीके से फेंटते रहें, ये फेंटते फेंटते ये अपने आप ही ये वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा। तो कुछ 10 मिनट बाद देखेंगे कि मेरा क्रीम फेंट चुका है, बिल्कुल व्हिप क्रीम की तरह दिखेगा। और इसे उठाकर दिखाऊंगी कि इसमें सॉफ्ट स्टीव पिक्स आ रहे हैं या नहीं। बस अगर ये सॉफ्ट स्पिक आने लगेंगे तो इसका मतलब हमारा क्रीम अच्छे से फेंट चुका है। तो ये काफ़ी अच्छे से अगर फेंट चुका होगा तो अब इसके बाद हम इसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि वहीं पे हम छोड़ देंगे, इसे बंद कर देंगे। अगर इसको ज़्यादा फेंट देंगे तो इसमें से हमारा मक्खन निकल आएगा और हमारी क्रीम फट जाएगी। तो इसको वहीं पे बंद कर देंगे। तो अब इसे उठा करके देखते हैं, ये देखिए हमारे सॉफ्ट स्टीव पिक्स आ रहे हैं। तो यही है हमारे क्रीम का आना। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा एकदम व्हिप क्रीम की तरह है। और अमूल का फ्रेश क्रीम से हम व्हिप क्रीम भी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि इस पे व्हिप क्रीम की रेसिपी मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पे भी व्हिप क्रीम की रेसिपी बनाऊंगी एकदम परफेक्ट। आपको बाज़ार से क्रीम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होगी और इसे मैं घर में कैसे बना सकती हूँ और आप लोग कैसे बना सकते हैं तो इस पे कमेंट पे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। दूसरी टिप्स ये है क्रीम फेंटने का रीज़न कि क्रीम हमारा इतना अच्छे से फेंटा है इसलिए क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह पे फेंट रही थी मैं, इसलिए क्रीम हमारा इतना बढ़िया व्हिप क्रीम की तरह फेंटा है। जितना ये फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम मिल्क मेड मिलाएंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे मिल्क मेड डाल रही हूँ, ये 200 ग्राम मैं मिल्क मेड डालूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच मैं वनीला एसेंस डालूँगी और इसे 2 मिनट के लिए और फेंटेंगे। क्योंकि इसे 2 मिनट के लिए इसलिए फेंटेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया से मिक्स होने के बाद ये आइसक्रीम जब जमेगी तो बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी ही बनेगी। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं और इसे हम फिर से फेंट देते हैं। तो ये हम अपना फेंटना शुरू कर दिए हैं, तो इसे कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंटें। तो ये देखिए मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ, ये इसी तरीके से इसको मैं हाई स्पीड में मैं काफ़ी अच्छे से फेंट रही हूँ। इसको मैं स्पीड बढ़ाते जाऊँगी धीरे धीरे करके और इसको मैं फेंटते जाऊँगी। इसको इसलिए इतना स्पीड में फेंट रही हूँ क्योंकि जितना स्पीड में आप इसको फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी। तो इसको 2 मिनट तक इसी तरीके इसको फेंटें और ये देखिए जितना इसको आप एक ही डायरेक्शन में आप फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी। तो अभी तो आपको ये इसका पता नहीं चलेगा लेकिन जब ये जमने के बाद जब मैं इसको टेक्सचर इसका दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। तो ये मैंने 2 मिनट तक काफ़ी अच्छे से फेंट दिया था। तो ये देखिए मेरी क्रीम अच्छे से फेंट चुकी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया है और उस एयर टाइट बॉक्स में मैं इसे पोर कर दूंगी, उसमें इसको डाल दूंगी। एयर टाइट बॉक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से कभी भी कोई भी चीज़ इसमें जमाएंगे तो इसमें क्रिस्टलाइज नहीं होगा, इसको फ्रीज़र में जमाना है तो इसमें कोई भी चीज़ बर्फ़ ना जमे, इसलिए इसका एयर टाइट बॉक्स मैंने लिया है। तो इसमें मैं ये सारा आइसक्रीम मैं डाल दूँगी और जमने के लिए छोड़ दूँगी 12 से 14 घंटे के लिए, नहीं तो आप रात भर भी छोड़ दें तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये सारा मैंने क्रीम डाल दिया है। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स ना हो तो आपके पास एयर टाइट टिफ़िन हो या कोई एयर टाइट डब्बा हो तो उसमें भी डाल करके आप इसे जमा सकते हैं। तो ये सारा मैंने आइसक्रीम डाल दिया है। तो अब इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 14 घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो चलिए 14 घंटे बाद हम देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है कि नहीं। 14 घंटे बाद हमारा आइसक्रीम कैसे दिखता है मैं इसको पास से दिखाती हूँ आप सबको। वाओ अमेजिंग, ये बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। इसमें कितने अच्छे फ्रॉथ हैं
और मैं इसे प्रेस करके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से आइसक्रीम जमा है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल लिया है सर्व करने के लिए और इसे मैं आइसक्रीम स्कूपर से निकाल रही हूँ। ये इतना बढ़िया जमा है कि इसे निकालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको पास से इसका कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसा है या नहीं वनीला आइसक्रीम। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है क्लिक करें, और चैनल पे जो लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके इस आइसक्रीम को बनाएं तो आपकी आइसक्रीम एकदम बढ़िया बनेगी। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप नहीं है तो आप इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं। मैंने सारे वनीला आइसक्रीम निकाल लिए हैं। कैसे लगे आपको वनीला आइसक्रीम? जितना बनाने में आसान है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। मार्केट को भूल जाएं और बनाएं अपने घर में साफ सफाई से बढ़िया से आइसक्रीम, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बनाएं, खाएं और मज़े करें इस आइसक्रीम के साथ। अपने घर में ज़रूर बनाएं इस आइसक्रीम को और काफ़ी मज़ेदार बनता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, और अपने घर में रहें। स्टे सेफ, स्टे होम, बी हेल्दी, स्टे ट्यून। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।